मैं नाहिदा फिरोज आपका केकेआर न्यूज में स्वागत करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र अंतर्गत 18 जनवरी को एक 24 वर्षीय युवती के साथ निर्भय जैसा कृत्य का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में पहले आरोपियों ने युवती को टक्कर मारी, उसके बाद उसके साथ ज्यादती करने लगे। युवती ने कहा कि उसे जान से ना मारे, भले उसके साथ रेप कर ले। वहीं आरोपी ने उसके साथ रेप भी किया और उसके बाद उसे गंभीर स्थिति में एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने पहले पीड़िता के कथन पर धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर किया था। उसके बाद पुलिस ने उसमें इजाफा करके धारा 376, 307 का भी प्रकरण दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मामला 18 जनवरी का बताया जा रहा है। 24 वर्षीय युवती कोलार क्षेत्र की रहने वाली है। वह अपने घर को जा रही थी, उसी दौरान उसे गाड़ी से टक्कर मारी, फिर उसके साथ ज्यादती की गई और मारपीट भी की गई, जिसके चलते उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। भोपाल के संवाददाता आदिल खान की ये खास रिपोर्ट। बच्ची के साथ घटना घटी है, 18 तारीख को, और उसके बाद जो है FIR दर्ज हुई है। वहाँ पे जो भी बच्ची को सुनसान एरिया था, वो तो वीडियो फुटेज प्राप्त किए वो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो आई विटनेस था उसके निशानदेही पे जो है एक आरोपी को अरेस्ट किया गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार भी किया, उस पर पहले पे भी कुछ अपराध हैं आरोपी के ऊपर, और उसके बाद जो है उसको अरेस्ट कर करके जेल भेजा गया। और अभी की परिस्थिति में उसने दो बार जो है अभी जेल में ही है वो व्यक्ति, और बेल एप्लीकेशन भी दो बार खारिज हो चुकी है, और जो बच्ची का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला है उसके परिप्रेक्ष्य में केस में जो है इजाफा भी किया गया है धाराओं का। और सब्सिक्वेंटली जो है हम लोगों ने एक टीम भी बनाई है, उस टीम जो है वो CSP के नेतृत्व में रहेगी, वो SIT, वो जो किसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी। बच्ची से पूरी टीम जो है संपर्क में है लगातार, और परिवार से संपर्क में है। कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो ताकि कन्विक्शन हो। घटना कब हुई है और कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज हुआ है? घटना जो है 18 जनवरी की है, और उसके बाद जो है धारा उस समय जो लगी है 354 में दर्ज हुआ है। सब्सिक्वेंटली जो है उसमें इजाफा हुआ है 376 का और 307 का। परिजनों को दिखाया गया था, परिजनों से बात भी कराई गई थी, बट बच्ची की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि उसको अभी इस तरह से कर सकें। और इन्वेस्टिगेशन की जो बात है, क्योंकि उसको जो बैक इंजरी बहुत ज़्यादा है, तो वो बेड उस पर है, वो अपने रेस्ट पे है, बट जो टीम है वो सब्सिक्वेंटली जो जो उसकी शंकाएं हैं, जो भी उसकी इश्यूज हैं, उसको सबको सॉल्व कर। आरोपी ने क्या क्या कबूल किया? आप कह रहे हैं कि उसने माना है, उसने धक्का, उसने जो इन्वेस्टिगेशन की में जो आरोपी का कहना है कि उसने वहाँ से जो है नशे में था, नशे की हालत में, उसको सबसे कुछ बहुत सारा याद नहीं है कि वो जो है आदतन जो है नशा करने का आदि। कलेक्टर साहब कुछ बताना चाहेंगे? जी, मुख्यतः यही बताना चाहूँगा इसमें कि जो बालिका है उससे हम दोनों की ही मुलाकात हो गई। इसमें इमिजिएटली जो उनका इलाज में जो भी खर्चा हुआ है वो CM शिक्षादान से इमीडिएटली स्वीकृत करके उनको अवेलेबल करा दिया गया है। साथ ही ये भी आश्वस्त किया गया है कि आगे भी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। कोई भी समस्या उन्हें होगी इलाज की या अन्य कोई भी विषय, उस सब में हम लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े रहेंगे, एंड वी विल इंश्योर कि बहुत जल्द वो वापस अपने पैरों पर हो और जैसे अपना जीवन पहले व्यापन उनका चल रहा था वैसे ही खुशी खुशी चलता रहे। पूरी तरह से हम लोग साथ हैं। इसमें SIT का गठन भी DIG साहब द्वारा कर दिया गया है। आरोपी यद्यपि घटना के तुरंत बाद पकड़ा जा चुका है, और उसमें आगे की कार्रवाई जो है वो भी पुलिस पूरी मुस्तैदी से कर रही है। इसमें और कोई आरोपी हो सकता है? और क्या जो 376 है शुरुआत में दर्ज, मतलब क्यों नहीं की गई, इसका कोई भय क्या? नहीं, शुरुआत में जो 376 वहाँ पे जो आरोपी है उसको तो उसके पास से, क्योंकि घटनाक्रम इस प्रकार का रहा है कि वो जो क्लिपिंग अपने पास मौजूद है उसमें उस धक्का देता हुआ दिख रहा है वहाँ पे बच्ची को, और सब्सिक्वेंटली वहाँ पे जब बच्ची को रेस्क्यू किया है वहाँ पे एक उन्हीं के कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने, तो उस समय वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। बच्ची के जो हम लोगों ने SCN जारी किया है जो IU है और थाना प्रभारी को, कि इनिशियली जो है उस बच्ची के कथन में अगर वो 376 की बात अगर कोई कह रही थी, क्योंकि इस तरह की कोई घटनाक्रम नहीं हुआ इनिशियली, बट अभी बच्ची ने सब्सिक्वेंटली जो जो बयान दिए हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसका इजाफा किया। सर, एक बस क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो माइनस को नहीं?
नहीं, बच्ची माइनर नहीं, माइनर। ये थे अभी तक की कुछ खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।